हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल राज मेकअप। सो कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्स का एक न्यू ज़बरदस्त बढ़िया वाला लॉन्च एंड माय मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर। ठीक है, सो दिस इज देयर वंडर हाइलाइटर, इज देयर न्यू लॉन्च। जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, कितनी मजे की पैकेजिंग है ना इसकी। I love this. You know what? I love this. And I am in the shade number rose gold. And it costs you about ₹300. और मैंने इसे Flipkart से purchase किया है। हॉल मेरे चैनल पे है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। And dun-dun-dun, just look at that. और आपको यहाँ पे एक mirror भी मिल जाता है। You can see my set up. Okay. और आपको यहाँ पे मिरर भी मिल जाता है एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट राइट देयर एंड लुक एट द प्रोडक्ट एंड द टेक्सचर। और मैं इसे काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, दैट्स वाई इसका जो टेक्सचर वो थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है। सो बट आई टोटली लव दिस हाइलाइटर, जस्ट लुक एट द टेक्सचर एंड द शाइन। और यही हाइलाइटर आज मेरे फेस पे, मैंने इसे बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया है, आप चाहो तो इसे भर भर के यूज़ कर सकते हो। बट सो सबसे पहले आप इसका डेमो देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। ज़्यादा बटरी स्मूथ एंड सॉफ्ट है ना, लाइक इट इज़ वेरी बटरी स्मूथ एंड सॉफ्ट। लुक एट द पैकेजिंग, इट इज़ अ मैग्नेटिक क्लोजर, लुक एट दैट। ठीक है, एंड इसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो इसके रिफ्लेक्स है, दैट इज़ यू नो ब्रॉन्जी गोल्ड, मतलब इट हैज़ अ ब्रॉन्ज रिफ्लेक्शन एंड अ रोज रिफ्लेक्शन। तो ये मीडियम स्किन टोन पे भी काफ़ी अच्छे से जाएगा, इवन ऑन फेयर स्किन टोन पे भी काफ़ी अच्छे जाएगा और डीपर स्किन टोन पे भी ये चला जाएगा। बट इट इज़ गुड फॉर मीडियम स्किन टोन, अगर देखा जाए तो इट हैज़ द वन मोर शेड, आई थिंक गोल्ड शेड और पता नहीं सिल्वर शेड है, आई जस्ट डोंट नो, आप चेकआउट कर लेना। बट दिस रोज गोल्ड शेड इज़ गुड फॉर फेयर स्किन एंड ऑन मीडियम स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इट हैज़ दैट ब्रॉन्जी रोजी इफेक्ट, मीन्स रोज गोल्ड इफेक्ट पे थोड़ा सा ब्रॉन्ज अंडरटोन है इसकी। ठीक है, एंड ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी शिमर से साथ भरी हुई है, बट जब आप उसे यू नो आप इस हाइलाइटर को यूज़ करते रहते तो वो हट जाती है और आपको बहुत ज़्यादा अंदर वाला एक सटल ग्लो आपको देता है, यू कैन सी। एंड इसको यूज़ करने के बाद मेक श्योर कि आप एक मेकअप फिक्सर ज़रूर लगाएं। ठीक है, उसके साथ इतना अच्छा ब्लाइंडिंग इफेक्ट आता है ना इसका, आई लव दैट। एंड यू कैन सी हियर, आप मेरे फेस पे देख सकते हो, मैं आपको अभी इसका डेमो दे देती हूँ। आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, सिर्फ हाफ फेस पे अपना मेकअप फिक्सर स्प्रे करूँगी मैं। ठीक है, ओवर हेयर। एंड आई लव दिस, यू कैन सी कितना ज़्यादा बीमिंग इफेक्ट है ना इसका। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम लग रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड सटल ग्लो आपको लगेगा, यहाँ आपकी जो स्किन है वो अंदर से ग्लो कर रही है। इसका जो टेक्सचर, दैट इज़ वेरी क्रीमी एंड बटरी सॉफ्ट। मेक श्योर कि सबसे पहले आप बहुत ही लिटिल लिटिल अमाउंट में से आप ब्लेंड करो। अगर आपने एक ही बार में इतना ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आपने ले लिया तो टेक्सचर बन जाता है आपकी स्किन पे, लाइक इट्स अ वेरी स्मूथ फॉर्मुलेटेड, इट इज़ वेरी स्मूथ फॉर्मुलेटेड। अगर आप इसे लगाओगे तो मेक श्योर टू ब्लेंड इट, इसे ब्लेंड करने में टाइम दो। अगर आप इसे ब्लेंड नहीं करोगे तो ऐसे लगेगा कि ये एक टेक्सचर सा बना हुआ आपकी स्किन में, यू आर नॉट ग्लोइंग विद इट। ओके, सो वी डोंट वॉन्ट दैट। ओके, बट मेक श्योर इसको यूज़ करने के लिए आप अपने जो ब्रशेज हैं उनको अच्छे से क्लीन आउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आई टोटली लव दिस, मतलब आई लिव फॉर दिस प्रोडक्ट।
बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रेकमेंडेड ब्राइडल्स के लिए बहुत अच्छा है। एक अगर आप एक अच्छी मेकअप किट बनाना चाहते हो, गो फॉर इट, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्स के अब आजकल, ठीक है। अब कोविड की वजह से आप शॉपिंग अभी रहने देना, बट थोड़ी देर बाद आप इसे ज़रूर परचेज करना इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड एज वेल। एंड एक और हाईलाइटर है मेरे पास यहाँ पे मार्स का, दैट इज़ देयर वी फेस ब्रॉन्ज हाईलाइटर। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो, दिस इज़ एन सच अमेजिंग हाईलाइटर। यही ब्रॉन्जर आज मेरे फेस पे है, आई लव दिस। आप इस मेकअप लुक को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड मेक श्योर डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और यहाँ पे आपको दो हाईलाइटर्स मिल जाएंगे, दिस इज़ द गोल्डन वन एंड दिस इज़ द सिल्वर वन। लुक एट दिस हाईलाइटर्स एंड दीज आर सो नाइस, बटरी स्मूथ एंड सॉफ्ट एज वेल। रिकमेंडेड मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है और मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है। इन दोनों की वीडियोस, इसकी वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, इसका डेमो भी मैं दे चुकी हूँ, आप वो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इवन दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस, अमेजिंग। इवन यू आर गेटिंग सच अ गुड क्वालिटी मिरर इन जस्ट ₹300, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। इसमें कोई मिरर नहीं है, बट द पैन साइज इज रियली ह्यूज, तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अगर इसमें आपको कोई ज़्यादा आपके शेड्स नहीं मिलते, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, इसमें आपको ढेर सारे शेड मिल जाएंगे। आई एम इन द शेड नंबर 05 एंड इसमें आपको एक ब्लश शेड भी मिलता है, एक ब्रॉन्जर एंड एक हाईलाइटर। मैंने ये दो हाईलाइटर एंड ब्रॉन्जर वाला लिया था बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ब्लशेज, सो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला वेरिएंट लिया है 05। तो इसमें आपको ढेर सारे शेड्स मिल जाएंगे। इफ़ यू आर डीपर टू डीपर स्किन टोन के भी हो तो आपके ऊपर ये शेड चला जाएगा, एंड यू कैन मिक्स एंड मैच एंड यू कैन मेक योर ओन कस्टम शेड, दैट्स व्हाई आई लव दिस। इसमें इतने ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है, अगर आप मेरी स्किन टोन के हो तो यू कैन हैव दिस रोज गोल्ड वन, इवन सिल्वर वन, एंड यू कैन ऑल्सो हैव दिस वन ऑल्सो। ये बहुत ज़्यादा सटल ग्लो देता है, ये बहुत ज़्यादा बीमिंग ग्लो देता है। बोथ आर अमेजिंग यू गाइस, अमेजिंग, रिकमेंडेड, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्स के। दीज आर, और इनमें कोई ग्लिटर चंक्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, दीज गिव यू अ वेरी नेचुरल सटल ग्लो एंड आई लव दिस, ठीक है। मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेड ये वाला भी ना, आई थिंक ₹300 का आपको मिल जाएगा एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, ट्रस्ट में आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, यू शुड चेक इट आउट। फ्लिपकार्ट पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने सभी प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पे आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने सभी प्रोडक्ट्स मार्स के फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं, सो डू चेक इट आउट। एंड या यही थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड मेरी कॉम्पिलेशन वीडियोस भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।